मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लेने के लिए रामगढ़ ताल तथा बौद्ध परिपथ केंद्र केंद्र बिंदु के रूप में इसका विकास किया जाएगा। 40 करोड़ की लागत से बनने वाले वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास एवं लगभग 7 करोड़ की लागत से निर्मित रामगढ़ ताल वोट जीडी का जीर्णोद्वार का लोकार्पण करने के बाद संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन जहां एक ओर रोजगार देता है, वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठाता है। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष पूर्व से ही रामगढ़ ताल को विकसित करने की परियोजनाएं तैयार की गई, परंतु वे मूर्त रूप नहीं ले सकी। 2010 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना अंतर्गत भारत सरकार ने इसके विकास के लिए धन दिया, परंतु तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं लिया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर ही नहीं पूरा पूर्वांचल वर्षों तक उपेक्षित रहा है और विकास की राह देखता रहा। कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने गोरखपुर में आधुनिक स्वागत केंद्र के जीर्णोद्वार, गोरखनाथ मंदिर में भीमकुंड ताल की सीढ़ियों पर कोटा स्टोन लगाने, रेलवे स्टेशन स्थित पर्यटन सूचना केंद्र के जीर्णोद्वार, गुरम पोखरा के साथ माता स्थल पर पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में नए खाद्य कारखाना तथा एम्स का शिलान्यास किया था। प्रदेश सरकार ने इस बीच 40 करोड़ की लागत से बहुप्रतीक्षित प्रेक्षागृह का निर्माण शुरू कराया है। रामगढ़ ताल के पास ही प्रदर्शनी स्थल विकसित किया जाएगा, जहां सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष के अंत तक चिड़ियाघर भी तैयार हो जाएगा, जो प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर होगा। प्रदेश के पर्यटन महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव अविनाश अवस्थी ने भी सभी का स्वागत किया तथा आश्वस्त किया कि रामगढ़ ताल नौकायान एवं जेटी का पूरा काम 10 माह में पूरा कर लेंगे। उन्होंने बताया कि नई पर्यटन नीति में वेस्टनेस सेंटर, योगा सेंटर संचालित करने तथा एडवेंचर स्पोर्ट्स एवं बैलूनिंग करने का स्पोर्ट्स चलाने पर 15-20% तक अनुदान दिया जाएगा। समारोह को विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल, बिपिन सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद कमलेश पासवान, विधायक सुश्री संगीता यादव, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, आयुक्त अनिल कुमार, आईजी नीलाब्जा चौधरी एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। श्री फतेह बहादुर सिंह, माननीय विधायक रामप्रियगंज, श्री श्रीमान जी, माननीय विधायक बांसा, सुश्री संगीता यादव जी, माननीय विधायक चौरी चौरा, सुश्री संगीता यादव जी, माननीय विधायक चौरी चौरा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री सत्येंद्र सिन्हा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, श्री कामेश्वर सिंह जी, प्रदेश सहयोग रहता है मैडम का एक बड़े के नाते, जो हम लोगों को वो गाइडेंस देती हैं। आज यहाँ आए हुए बैठे हुए हमारे नगर के महापौर जी, हमारे सांसद जी, भाषाओं यहाँ बैठे हुए हमारे माननीय विधायक श्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण साहब, हमारे अपने अग्रज श्री फतेह बहादुर जी, श्री श्रीकल पांडे जी, विधायक सहजना, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विधायक पिपराइच, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधायक बासगांव, यहाँ पर बैठी हुई हमारी सुश्री संगीता यादव जी, माननीय विधायक चौरी चौरा, जो अपने क्षेत्र के पर्यटन के लिए विशेष जो है ध्यान देते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी गणमान्य शहर के हमारे अतिथिगण, यहाँ आए हुए हमारे सभी प्यारे बच्चों, यहाँ आए हुए हमारे सभी शहर के हमारे माननीय नागरिकगण, हमारे सहयोगी, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के डीएम, यहाँ के आईजी साहब, यहाँ के डीआईजी साहब और हमारे टूरिज्म विभाग के सभी सहयोगीगण, ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब रामगढ़ ताल, जिसकी खूबसूरती हवा से देखिए तो वहां दिखाई देती है, जमीन से देखिए तो खूबसूरती देखती है, रामगढ़ ताल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि यहां हम लोग एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं और लगभग 40 करोड़ में जो ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज ही जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं चाहूंगा आप सभी की ओर से बहुत जोरदार ताली की ओर ये शुरू हो जाए। नए रिजॉर्ट, नए वेलनेस सेंटर, नए योगा सेंटर, इस तरह की कोई भी अगर योजना है तो उसमें लगभग 20% का अनुदान नई पर्यटन नीति में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है इन्वेस्टर समिट में,
उसमें हम जो है ये जो है व्यवस्था कर सकते हैं। ये भी हम बताना चाहेंगे कि जो टेंट की व्यवस्था है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, बेलोनिक है, इन पर भी 15-20% अनुदान है। तो कोई भी निवेशक छोटा बड़ा यदि सामने आता है तो उसका जो है हम सहयोग कर सकते हैं। अंततः अथवा ये जरूर कहना चाहेंगे कि पर्यटन रोजगार से सीधे जुड़ा है। हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं, यहाँ बहुत सारे जो है लड़के लड़कियां हैं रोजगार के क्षेत्र में काम करने के लिए। पर्यटन ऐसा उद्योग है जो पूरे विश्व में रोजगार को आगे बढ़ा रहा है। यूरोप में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, जो है कहीं आप दुबई जैसी जगह जाइए, पर्यटन ऐसा उद्योग है जो रोजगार को बढ़ावा देता है। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प है। पुनः इस अवसर पर आप सभी लोगों का जो यहाँ लोग आए हैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। विश्व के नक्शे पर उभर कर आएगी। साथियों, हम आप सभी की तरफ से पुत्र महाराज जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज जी। मित्रों, 1968 का जमाना था जब इस देश में, इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, स्वयं वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर जी की यह कल्पना थी कि रामगढ़पाल की इस परियोजना को पूरे भारत के सामने एक बहुत बड़ी परियोजना के रूप में विकसित किया जाए। लेकिन यह गोरखपुर का दुर्भाग्य था, यह पूर्वांचल का दुर्भाग्य था। जमीन तो तय हुई लेकिन जो विकास काम होने थे 1968 के बाद से वो काम अटके, तो 2017 तक वो काम अटके ही रह गए। 50 सालों तक इस रामगढ़पाल परियोजना के जमीनी विकास की किसी ने न सुनी ली और न किसी ने इसकी योजना बनाने का काम किया। हम गोरखपुर नगर के नागरिक आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, जो इसी गोरखपुर के सांसद रहते हुए रामगढ़पाल के सौंदीकरण के लिए इन्होंने लोकसभा के अंदर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी और रामगढ़पाल के सौंदीकरण के लिए आपके संसदीय कार्यकाल के दौरान इसके लिए धन अनुमत हुआ था और कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। आप मुख्यमंत्री बने, वो सारी योजनाएं जो अधूरी पड़ी थी आपकी निगाहें उन सारी योजनाओं पर एक एक करके पड़ती चली गई। मैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक, जिस क्षेत्र में काम नहीं किया हो। जब महाराज जी सांसद होते थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय से लेकर फर्टिलाइजर के लिए, एम्स के लिए गोरखपुर के नागरिकों के साथ बैठकर संसद से, सड़क से संसद तक संघर्ष किया है और आज उसका परिणाम है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सत्ता केंद्र में बने, महाराज जी के अथक परिश्रम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को एम्स और फर्टिलाइजर दिया है। गोरखपुर पर्यटन के रूप में विकसित करने का आपने संकल्प लिया है। पर्यटन के क्षेत्र में महाराज जी ने गोरखपुर के कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 50 करोड़ की लागत से बगल में प्रेक्षागृह नहीं बनना, जिसमें 1000 दर्शक बैठ कर यहाँ के प्रसन्नता की कल्पना आपके बीच में आने का अवसर मिला है। महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने, पूरे प्रदेश के विकास के हर कोने पर इनकी आंखें। यहाँ पर आपको बताया गया कि किस तरह से गोरखपुर के सभी रुके हुए कामों को और नए कामों को गति दी जा रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो उसको पूरी बिजली नहीं मिल रही हो। ये उन मुख्यमंत्रियों में नहीं है जो एक या दो जनपदों को बिजली देते हो या अपने क्षेत्र को बिजली देते हो। ये उन मुख्यमंत्रियों में जो चाहते हैं
तो दूर दराज गांव में भी बैठे हुए को वही सुविधा मिले जो शहर में बैठे हुए नागरिक को मिलती है, जो दिल्ली में मिलती है, जो कलकत्ते में मिलती है, जो बम्बई में मिलती है, जो लखनऊ को मिलती है, वही गोरखपुर सरीते महाराजगंज को भी मिलनी चाहिए, वही फतेहपुर को भी मिलनी चाहिए, वही अमरोहा को मिलनी चाहिए, वही झांसी और बदायूं को मिलनी चाहिए। तो इनकी निगाह सब जगह, मैं तो आश्चर्यचकित रहती हूँ कि कैसे ये इतनी मेहनत करते हैं। कल 12 बजे दिन में इलाहाबाद में कुंभ की समीक्षा में थे, आज 2 बजे दिन से यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। आपको ना मई की गर्मी सताती है न जनवरी का जाड़ा, आप बरसात आएगी तो भी देखेंगे। आप रुकने वाले नहीं है, आप सौभाग्यशाली है कि आपको योगी आदित्यनाथ जी अपने अपने ही एक संरक्षक के रूप में मिले हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकती हूँ 5 साल के कार्यकाल के बाद उत्तर प्रदेश भारत का सबसे प्रथम राज्य होगा, प्रदेश होगा, ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ। इसे भी कह सकती हूँ 50 साल से राजनीति देख रही हूँ, दो मुख्यमंत्री मेरे परिवार में हुए, मैंने बहुत सियासत देखी है, लेकिन जनता के साथ जुड़कर बिल्कुल सारी सुविधाओं को छोड़कर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी दौड़ रहे हैं, इनके साथ पूरा प्रदेश दौड़ रहा है, और आप देखिएगा हम लोग सब कहीं ना कहीं आगे जाके प्रधानमंत्री जी को दिखा सकेंगे कि आपने एक सपनों का उत्तर प्रदेश योगी जी ने बना दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बना दिया है। ये तो आपकी ताल है, मैं बहुत दुनिया घूमी हूँ, 40 देशों में मैंने भ्रमण किया होगा, लेकिन इतनी खूबसूरत ताल मान लीजिए स्विट्जरलैंड को छोड़ दो तो ऐसी सुंदरता कहीं नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी जिसको वाटर बॉडी बोलते हैं। हम लोगों को जब हम लोगों को जल क्रीड़ा की सूची है तो जो अफोर्ड कर सकते हैं हवाई जहाज में जाना, कोई थाईलैंड चला जाता है, कोई गोवा चला जाता है, कोई केरला चला जाता है, कोई सिंगापुर चला जाता है। भैया सिंगापुर थोड़े द्वार आ गया है, संभालो इसको, ये सौगात है आपको हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की। अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रीड़ा स्तर रहेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जब विदेशी आना शुरू करेंगे और इस साल को देखेंगे तो सोचेंगे कि आखिर इतनी देर क्यों लगी। मैं भी बहादुर सिंह जी को भी बधाई देती हूँ कि सोचा उन्होंने था, लेकिन बीच न जाने क्या हुआ, ठंडे बच्चे में सब चला गया। अब तो इतनी गर्मी हो रही है कि 52 डिग्री में भी हम लोग गर्मी में दौड़ रहे हैं और इस साल को सजाने में लगे हुए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, कोई भी सुविधा अगर बनती है तो उसकी देख रेख करना, उसका संरक्षण करना जनता का काम होता है, नागरिकों का काम होता है। अगर आप यहाँ कूड़ा नहीं फैलाएंगे, अगर आप ताल को गंदा नहीं करेंगे, अगर इस ताल को आप अपने बच्चे के तरह अपनी धरोहर के रूप में रखेंगे तो आप काठमांडू नहीं जाएंगे, पूरा काठमांडू गोरखपुर आएगा, ये आप निश्चित समझ लीजिए। सिर्फ पूर्वांचल के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा क्रीड़ा स्थल कहीं नहीं होगा, उत्तर भारत में शायद नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी और बढ़िया आपको सौगात मिल रही है एक विकसित क्रीड़ा जल क्रीड़ा स्थल के रूप में। मैं ज्यादा इसी नहीं बोलूंगी, कभी महापौर जी ने सब कुछ बोल दिया तो मैं ज्यादा अग्रवाल जी बोल दिए, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि जब हम मंत्री बन के पहली बार गाँव में गए, अपने प्रभार के जिले में गए, दो होने बहुत थे कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन आज जब हम लोग अपने गांव में जाकर हम लोग रात्रि विश्राम कर रहे हैं, सब लोग सब बात को बोलते हैं लेकिन बिजली नहीं है ये कोई नहीं बोलता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप भावों के इस प्रदेश में पूरी बिजली दे देना, सड़क दे देना, 4,80,000 करोड़ का विश्वास पैदा करके निवेश को उत्तर प्रदेश में खींच लेने का आश्वासन लेना, 50 करोड़ से ज्यादा का काम इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करने की सोचना, स्वच्छता अभियान को तेजी से बढ़ा देना, शिक्षा को पूरा समर्पण दे देना, किसानों के हक में एक नहीं दर्जनों निर्णय ले लेना, ये योगी सरकार ही कर सकती है। इसे भरपूर तालियों के साथ आप उनका सम्मान करिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनको बधाई दीजिए। हम सोचा करते थे, सुना करते थे, आज वो विकास गोरखपुर में दिखने लगा है। रामगढ़ ताल परियोजना इस कड़ी को आगे बढ़ाने के अवसर पर मैं सर्वप्रथम आप सबको
हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि गोरखपुर को पर्यटन के हिस्से विकसित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र गोरखपुर बन सके। पहले से ही प्रकृति पदार्थ एक झील रामगढ़ ताल के नाम पर हम सबके पास यहाँ मौजूद है। उनका दुखद निधन इस परियोजना को पूरी तरह रोकथा दिया था। 2010 में भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने राष्ट्रीय जीव संरक्षण योजना के अंतर्गत गोरखपुर के रामगढ़ झील के लिए भारत सरकार से धनराशि स्वीकृत करवाई थी, लेकिन सरकारों की नियत अच्छी न होने के कारण यह परियोजना समयबद्ध ढंग से आगे नहीं बढ़ पाई। केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से रामगढ़ ताल की परियोजना आज अपने एक नए स्वरूप में गोरखपुर वासियों नहीं बल्कि पूर्वांचल के साथ साथ देश और दुनिया से आने वाले सभी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सके। यहाँ के नौजवानों, यहाँ के छात्रों के लिए वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक मंच मिल सके, इस वजह से आज यहाँ पर इस परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप सब जानते हैं कि गोरखपुर वर्षों तक उपेक्षित रहा विकास के पायदान पर, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी उपेक्षित रहा। यहाँ की चीनी मिलें बंद होती थी, प्रदेश का किसान तबाह होता था, विद्युत वितरण में भारी भेदभाव होता था और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर बद से बदतर हो चुकी थी। एक एक सड़क के लिए हमको तरसना पड़ता था, विद्युत के लिए कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बिजली मिल जाए इससे संतुष्ट होना पड़ता था और साथ ही साथ विकास की बड़ी परियोजनाएं तो एक सपना थी। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं 22 जुलाई 2016 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गोरखपुर आए थे और उन्होंने एक साथ गोरखपुर के दो बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को, गोरखपुर में 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया और हमारी जिन प्रतीक्षित जो मांग थी गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो, इस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और उसका शिलान्यास का कार्यक्रम यहां संपन्न करके विकास की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारे फैसले लिए हैं। प्रेक्षागृह का निर्माण इसी रामगढ़ ताल के तट पर हम लोग करने जा रहे हैं, जिस स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं इसको एक नुमाइश ग्राउंड के रूप में विकसित करके गोरखपुर के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी एक नया स्थल के रूप में हम लोग विकसित करने जा रहे हैं। प्रेक्षागृह एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह के रूप में यहाँ विकसित होगा, तो साथ ही साथ इस रामगढ़ ताल के ही तट पर हम लोग एक नया चिड़ियाघर जू को हम लोग यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। विकास की उन तमाम योजनाएं जो वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी, उन सभी योजनाओं को एक एक करके हम लोग गोरखपुर के अंदर लागू करने जा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ न केवल आम जनमानस को मिलेगा, अभी तो आम जन का जीवन स्तर भी इसके माध्यम से उठेगा। पर्यटन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक यह हमारी विरासत का प्रतीक होता है। हम आने वाली पीढ़ी को और वहां आने वाले पर्यटकों को यह बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी समृद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या फिर पर्यटन से जुड़ी हुई विरासतें हैं। उस विरासत के प्रतीक को हम जहां आगे बढ़ा सकते हैं, वहीं साथ ही साथ
रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को भी उसके माध्यम से हम विकसित कर सकते हैं। गोरखपुर बहुत पर्यटन का केंद्र बिंदु भी है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर के अंदर हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर लुम्बिनी में होता है, साथ सारनाथ यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये केंद्र आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक और बुद्ध सर्किट का हिस्सा होने, आध्यात्मिक सर्किट का हिस्सा होने और स्वयं गोरखपुर की अपनी पहचान बाबा गोरखनाथ जी के नाते, गीता प्रेस के नाते, यहाँ की उस महान परंपरा के नाते जिन्होंने देश के अंदर स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया था, उस सब पहचान को भी आगे बढ़ाने के लिए, गोरखपुर के अंदर विकास की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः हम सब आज इस अवसर पर आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे आप सबको इस बारे में कहना होगा कि विकास हम सब की आवश्यकता है, विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। हम विकास की इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ करके निश्चित ही आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में आज हम सबको सोचने की आवश्यकता है। वर्षों से लंबित पड़ी हुई परियोजनाएं थोड़ा भी ध्यान अगर इस ओर देने का प्रयास किया गया होता तो इतना उपेक्षित गोरखपुर नहीं होता, पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं होता, उत्तर प्रदेश के जिस भी जनपद में जाओ वहां पर हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि साहब इससे पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, आज हमें बिजली मिल रही है, आज हमें सड़कें मिल रही है, आज हमें सुरक्षा मिल रही है, आज हमारे यहाँ विकास की योजनाएं किसी न किसी रूप में आती हुई दिखाई दे रही हैं। हम सबको भी विकास की योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने की तैयारी करनी चाहिए और इस दिशा में आगे रामगढ़ ताल की परियोजना में एक नई कड़ी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में हम सब आपको यहाँ पर समर्पित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य योजनाओं का भी पर्यटन विभाग ने भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराया है, ग्रामीण क्षेत्र की भी है, शहर की भी है। उन सभी परियोजनाओं का लाभ गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे एक बात को कहना है और खासतौर पर इस बात को कि योजनाएं बना देने से ही कार्य नहीं होगा, बल्कि उन योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना, बराबर जन सहभागिता और जनता का सकारात्मक रूप उसके साथ जुड़ना। अगले महीने अगले प्रधानमंत्री के आएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, गोरखपुर को भी उससे जोड़ने की योजना है, वाराणसी और बलिया को भी उससे जोड़ने की योजना है, अयोध्या को भी उसके साथ जोड़ने की योजना है, इलाहाबाद को उसके साथ जोड़ने की योजना है और इतनी बड़ी विकास की परियोजनाओं को लेकर के आज जब प्रदेश के अंदर सरकार कार्य कर रही है तो इसमें आम जन की सहभागिता और उनका सहयोग भी अपेक्षित है। और इसीलिए आज हम लोग रामगढ़ ताल की वर्षों से चली आ रही इस परियोजना का, जिसके बारे में ये समाचार पत्रों में छपता था कि रामगढ़ ताल की परियोजना कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन जो कभी पूरा जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं उन्हीं को हम पूरा करने के लिए आए हैं। इस वर्ष के अंत तक हम लोग गोरखपुर को एक चिड़ियाघर भी उपलब्ध कराएंगे। चिड़ियाघर अपने आप में अलौकिक पर्यटन की वस्तु गोरखपुर के लिए होगी, प्रदेश का एक तीसरा चिड़ियाघर होगा, पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं विकसित करने की दिशा में यह एक नया कदम होगा। गोरखपुर का प्रेक्षागृह 1987 से चला रहा आंदोलन गोरखपुर के रंगकर्मियों का, गोरखपुर के संस्कृति कर्मियों का एक प्रेक्षागृह के लिए तरसते थे, आज हमारी सरकार ने उसका पैसा भी दे दिया है, उस पर कार्य भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। गोरखपुर के अंदर के तमाम अन्य विकास की परियोजनाएं
करके आगे बढ़ती जा रही है। उन सभी परियोजनाओं पर भी गोरखपुर वासियों का, पूर्वांचल वासियों का एक सकारात्मक रवैया रहे, इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर जब रामगढ़ ताल इस ऐतिहासिक झील में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मैं एक बार पुनः आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस परियोजना के पूरे होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवानों को तमाम प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, उन्हें आगे बढ़ने का एक मंच युवाओं को प्राप्त होगा, छात्रों को प्राप्त होगा, साथ ही साथ पर्यटकों के लिए भी एक बेहतर स्तर यहाँ पर उपलब्ध कराने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी बधाई देता हूँ, अपनी